हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा अष्टमी की आप सभी को। आज दुर्गा अष्टमी है और मैं जस्ट तैयार हुई हूँ बस दुर्गा अष्टमी के लिए ही, क्योंकि खाना बनाने जा रही हूँ आज। जैसे आपको पता है कंजी गायें वगैरह खिलाई जाती हैं, लेकिन आज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने ऐसे सोचा है कि प्रिशा को ही घर में अब जो बच्ची है उसको ही खिला दें, तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन के सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि अब तो बिल्कुल घर में पैक्ड हैं तो और तो कुछ नहीं कर सकते, तो अच्छी तरह से त्यौहार तो मना सकते हैं। तो उससे मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा देखने में, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, विवेक को भी अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए वाली साड़ी पहनी हुई है, जॉर्जेट की साड़ी है ये, और काफ़ी पुरानी साड़ी है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल है, देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। और अभी मैं नेल पेंट लगाने का सोच रही हूँ, आज शायद लगाऊंगी। अभी पहले तो मैं खाना बनाऊंगी, माता जी के प्रसाद का जो खाना बनता है। तो ये देखिए इस तरह से साड़ी, और जो ब्लाउज उस दिन मैंने पहना था ना सिल्क की साड़ी के साथ, ये एक्चुअली इसका ब्लाउज है, ये वाला पहना हुआ था मैंने। तो आज इसको मैंने इस साड़ी के साथ पहन लिया है। और लास्ट टाइम जब मैंने लंबी बिंदी लगाई थी तो कुछ लोग बोल रहे थे दीदी लंबी बिंदी क्यों लगाई है, तो इसीलिए येल्लो वाली लगा ली, ये वाली गोल बिंदी है मिल गई मुझे तो मैंने लगा ली। और जैसे कि आप सबको बताया कि अभी हमें घर पे रहना है, होम क्वारंटाइन के डेज चल रहे हैं हमारे, तो दो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ फिर से, घर पे ही रहिए, घर पे ही रहिए और सिर्फ घर पे रहिए। और आप सभी लोगों को पता होगा कि आठम के दिन क्या बनाया जाता है, तो काले चने बनाते हैं हमारे यहाँ माता जी के प्रसाद में, पूरी बनाते हैं और हलवा बनाते हैं। अब जो हलवा मैं बनाने जा रही हूँ उसकी रेसिपी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये हलवा है बिल्कुल गुजराती स्टाइल में। गुजरात में पानी की जगह पे दूध डालते हैं, या पानी और दूध आधा आधा मिक्स करके डालते हैं, तो बस उसी तरह से बनाऊंगी। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी आपको। माता जी का प्रसाद मेरे साथ साथ दर्शन करवाऊंगी आपको, और करेंगे हवन या फिर पूजा, तो जैसे भी होगा। और बच्चियों का जहाँ तक सवाल है, तो बच्चियाँ खाने के लिए बहुत लोचा है, आई डोंट नो कि किसी की मम्मी भेजेगी या नहीं, वैसे बिल्डिंग में है बच्चियाँ, तो मैं सोचूँ या तो उनके घर पे भिजवा दूँ या फिर प्रिशा को तो खिलाई दूंगी, इसके अलावा उनके घर पे पहुँचवा दूंगी, कुछ भी ऐसे करेंगे। तो पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए साड़ी है, ये आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट वाला मटेरियल है, जॉर्जेट का, और ये मेरी लोकल मार्केट की है, कोई ऑनलाइन साड़ी नहीं है। मैंने लोकल मार्केट से कहाँ से ली थी मुझे भी याद नहीं है मैंने कहाँ से ली थी। तो आपसे दो मिनट बात करूंगी, सिर्फ दो मिनट लूंगी। कुछ लोग कहते हैं ना दीदी आपकी चिटचैट बहुत हो जाती है, थोड़ा सारा दुख सा भी हो रहा है कि हर साल हमें आदत है। मैं कम से कम, नहीं तो आपने देखा हो अगर मेरा आठम वाला ब्लॉग, तो मैं बहुत सारी गर्ल्स को बुलाती हूँ घर पे खाना खाने के लिए, और यही सब बनता है, काले चने पूरी हलवा, और इतनी खुशी खुशी हम कंजिकाओं को खाना खिलाते हैं, फिर उन्हें कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो ऐसे लाइक यू नो, इस बार ये सब नहीं हो रहा है तो बहुत अजीब लग रहा है, मुझे भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वैसे तो भगवान को सब पता है, जो भी हो रहा है वो माता जी से कहाँ छुपा हुआ है, माता जी को पता ही है। लेकिन फिर भी मैं आज जब पूजा करूँगी तो उनसे माफ़ी तो ज़रूर मांगूंगी, क्योंकि पता नहीं ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो गया है। लेकिन बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बस घर पे रहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप रोज़ इस बात को व्लॉग में बताते हो तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारी इवन रिंग टोन तक पे बार बार ये बात बताई जा रही है, तो फिर मुझे भी बताना चाहिए, मेरा भी फ़र्ज़ है। आप लोग जब मेरे से कनेक्टेड हो तो मैं रोज़ आपको एक बार ये बात बोलूँ और आप उस चीज़ को फॉलो करें। शायद वैसे आपके दिमाग में वो बात ना आए, लेकिन मेरी बात सुन के आपके दिमाग में आ जाए, तो उसमें हम सब की सेफ्टी है, बच्चों की सेफ्टी है। एंड बाल मैंने आज नहीं धोए, मेरे कल के धुले हुए बाल हैं, तो अभी मैं इनको बांध लेती हूँ किचन में जाने से पहले। चलो फिर काम शुरू करते हैं, रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। चलो तो फिर स्टार्ट कर देते हैं किचन में काम, बातें करते करते खाना बनाते हैं, माता जी को भोग धराते हैं, प्रिशा को खिलाऊंगी, और उसके बाद शायद अगर बिल्डिंग में, जैसे मैंने बोला, अगर परमिशन दी उनकी मम्मियों ने, पांच लड़कियां हमारी बिल्डिंग में छोटी छोटी टाइनी टाइनी सी गर्ल्स हैं, अगर उनकी मम्मियों ने परमिशन दी तो फिर उनके घर पे भेज दूंगी मैं हलवा पूरी और चने, यही प्रसाद होता है माता जी का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा अष्टमी की आप सभी को, हम सबकी तरफ से, मुश्किलें हैं उनको आसान करें, जो आपकी मन्नत हो, जो आपको चाहिए हो माता जी आपको भी दें। तो चलिए, जितनी भी सुहागनें मुझे देख रही हैं तो सबने दुर्गा अष्टमी के दिन आई थिंक ऐसे ही साड़ी पहन के पूजा की होगी, आई होप सो, मुझे कमेंट करके बताना। विवेक से भी मिलवाती हूँ आपको, विवेक फिर से खुश हो जाएंगे मुझे साड़ी में देख के, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो बड़े खुश हो जाते हैं। अभी आए थे रूम में और मैं जब साड़ी पहन रही थी तो बोले अरे वाह क्या बात है, आजकल बड़ी साड़ियाँ पहनी जा रही हैं, तो खुश हो गए, उनको बहुत अच्छा लगता है वो, तो मतलब अगर मैं रोज़ साड़ी पहनूँ ना तो रोज़ खुश, ऐसे वाली बात है। चलो फिर किचन में चलते हैं और काम शुरू कर देते हैं। बालों को बांध दिया है मैंने, किचन में आने से पहले हमेशा बालों को बांध देती हूँ मैं। ये सारे बर्तन वगैरह मैंने उठते ही कर दिए थे सबसे पहले, विवेक नहा धो लिए हैं, अभी नहा लिया है, प्रिशा नहानी बाकी है, वो जा रही है नहाने के लिए, तो ये बर्तन बाद में मैं उठा के रखूँगी, पहले काम शुरू कर देती हूँ नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चने उबाल के रख दिए हुए हैं, ये देखिए इन चनों को मैंने उबाल दिया है, अब इनको हम तड़का वड़का लगाएंगे। इसके लिए मैं टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए,
धनिया चाहिए, धनिया नहीं है आज घर में और लाना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आपको पता है जो भी डेज चल रहे हैं तो तुरंत तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे हो सकता है वैसे कर रहे हैं। और गाइस मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के बस ये सब लगा लिया है, लिपस्टिक और आईलाइनर वगैरह, नहीं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने बेज लगाया, तो इसीलिए बस बता रही हूँ कोई बेज नहीं है, बस ऐसे ही। मैं ले रही हूँ एक टमाटर इतने बड़े साइज का और साथ में दो हरी मिर्चियाँ, इनको मैं मेरे चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर लूँगी और इसके बाद फिर हम लोग काले चने में, मतलब लाल चने, देसी चने क्या बोलते हैं, उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी प्री कुकिंग कर लूँगी, लाइक टमाटर काटने हैं, हरी मिर्च काटनी है, और विवेक को मैंने बोला है कि स्टोर रूम में से आप ज़रा वो ढूँढ लो, बादाम और काजू वगैरह शायद रखे हुए हैं, तो वो ढूँढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, तो बस उनको ही बता रही हूँ कि भाई यहाँ ढूँढो वहाँ ढूँढो, क्योंकि मर्द लोगों को ढूँढने के लिए बोलो ना तो इन्हें जल्दी से मिलता भी नहीं है, लेकिन मैं उनको बता रही हूँ कि स्टोर रूम में ही है, थोड़ी सी मेहनत करो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने उनको बोला है कि आप कट भी कर देना, वैसे उनको बादाम काटने आते नहीं है, पर थोड़ा सा ना मुझे हलवा बनाने में इजी हो जाएगा। जो चने हैं ना इनको मैंने थोड़ा सा हाथ से मैश कर दिया है, जिससे कि जब हम इसको बनाएंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगेगी, अगर पानी होना ज़रूरी है तो अच्छे लगेंगे। वैसे हर साल मैं दूसरे स्टाइल में बनाती हूँ, आज थोड़े से अलग स्टाइल में बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन अगर हस्बैंड्स ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, जैसे बादाम काटना है, काजू काटना है, तो हमारे लेडीज़ के काम थोड़े से ईजी हो जाते हैं। और ये थोड़े से चने ना मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं, इसको हम लोग चाट बना के खा सकते हैं, तो उसको मैं फ्रिज में डाल रही हूँ, कल हम लोग शायद इसकी चाट बनाएंगे। विवेक खाओगे ना चाट? हाँ रख दो बचा के थोड़े से चने, नहीं कल के लिए थोड़ा चाट के लिए रख दूँ? तो ये देखिए इतने मैंने चाट के लिए निकाल दिए हैं, इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे सारी तैयारी हो गई, अब धनिया का प्रॉब्लम है, धनिया घर में है नहीं, एक पॉलिथीन बैग में थोड़ा सा धनिया पड़ा हुआ है, तो मैं सोचूं विवेक को दे दूँ, आगे रूम में बैठे हुए हैं खाली बैठे बैठे, उसमें से थोड़े धनिया पत्ती निकाल देंगे, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा पीला पीला हो गया, हो जाता है ना वो तीन चार दिन रख के, तो ऐसा हो गया, लेकिन इनको देती थोड़ा सा ये निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें बनाएंगे हम हमारे चने, इसके बाद बनेगा हलवा और फिर बनेगी लास्ट में पूरियाँ, तो बने रहिए व्लॉग पे, बहुत मजा आने वाला है। चलो विवेक को पहले देके आती हूँ, थोड़ा सा धनिया निकाल दे तो अच्छा रहेगा। विवेक थोड़ा धनिया दे दूँ, साफ कर दोगे? हाँ दे दे वे है, ओके चलो देके आते हैं। कभी साड़ी पहन के लाइफ में काम नहीं किया मैंने, लेकिन आजकल मैं कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तुमको कैसा लगता है विवेक, साड़ी पहन के काम करती हो तो? बहुत सुंदर कह रहे, बहुत सुंदर लगता है, सुंदर लगता है क्या, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा और सुंदर लगता है। मिलवाती हूँ आपको एक मिनट, चलिए आपको मिलवाई देते हैं हमारे पति से, देखिए आराम करत है, आराम करत है हमारे पति, लाइट ऑन करें, पर्दा क्यों डाल रखा है, पर्दा हटा दो थोड़ा, हाँ क्यों मुंह में वो लगाए हैं, गम लगाए हैं क्या? तो चलिए शुरू कर देते हैं चने बनाना, लाइटर कहाँ गया? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं चने बनाना। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और आज तो बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना का खाना बनेगा,
तो रिफाइंड ऑयल थोड़ा डाल दिया, आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे, सबसे पहले इसमें जीरा जाएगा, जीरे को फूटने देंगे। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हींग, और ये वाले चने अच्छे लगते हैं। वैसे लास्ट ईयर मैंने दूसरी तरह से बनाए थे, वो भी मैंने आपको सिखाए थे, कई तरह से बनाती हूँ। तो हींग डालने के बाद डायरेक्टली डालेंगे हरी मिर्च। इन वाले चने में हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चियाँ डाली हैं। और जैसे हरी मिर्ची थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो इसके अंदर चले जाएंगे टमाटर, और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है। आप चाहो तो कम ज़्यादा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, पर ये वाले चने थोड़े खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने बड़ा टमाटर यूज़ किया। थोड़ा सा नमक डाला है, इसको ढक देंगे। इससे ज़्यादा निकला ही नहीं बोल रहे हैं, बट उन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट किया तो सही थोड़ा सा काम। आज सुबह से वैसे सारा काम मैंने ही किया है, आज इनसे मैंने कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि आज कपड़े भी नहीं धोए, मशीन भी नहीं लगी। जनरली जब मशीन लगती है तो वो कपड़े धो लिया करते हैं, लेकिन दो दिन से तो हम लोगों ने मशीन लगाई ही नहीं है, तो आज सुबह से विवेक जी सिर्फ आराम कर रहे हैं। तो जैसा भी है, इतने से धनिये से चलाना पड़ेगा, पर चलाना तो पड़ेगा। मुझे ना धनिये के बिना किसी चीज़ में नहीं चलता, वो आपको भी पता है, और धनिये के बिना मज़ा भी नहीं आता एक्चुअली इन सब चीज़ों में। और वैसे भी आज तो बिना प्याज और ये सब का खाना बनने वाला है, तो जब प्याज वगैरह ना डालो तब तो मुझे धनिया चाहिए ही चाहिए, ऐसी वाली बात है। और आज तो माता जी का खाना है। तो आप लोगों ने कैसे कैसे बनाए आपके दुर्गाष्टमी, मुझे ज़रूर बताइएगा। सबने आई थिंक अपनी बच्चियों को खिला दिया होगा, या फिर दूसरे बच्चों के घर पे पहुंचाया होगा खाना, अगर परमिशन दी होगी उनके पेरेंट्स ने। इस बार माता जी माफ़ करें, इस साल हम लोग ने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चांस की बात है कि ऐसे वाले हालात हैं, इन हालातों में शायद आज से पहले ना कभी दुर्गाष्टमी आई है, और ना भगवान करे कभी आगे ऐसा हो कि ऐसे हालातों में दुर्गाष्टमी आए कि जिसमें हम कंजिकाओं को घर पे भी ना बुला सकें, उनकी पूजा भी ना कर सकें। जनरली हमारे यहाँ पे जब कंजिका आती हैं तो उनको पहले खाना खिलाते हैं आराम से बैठ के, उसके बाद उनको जब उनका खाना हो जाता है ना, देवी की तरह मानते हैं कंजिकाओं को, कन्याओं को। मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे कंजिका क्या होती है, तो छोटी छोटी बच्चियों को खाना खिलाते हैं उसे कंजिका कहते हैं। तो उनको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर उनके पाँव वाँव छूते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, माता जी की तरह ट्रीट करते हैं। तो आज के बाद कभी भगवान ऐसा ना हो, ना आज से पहले कभी ऐसा हुआ है, कभी भी मैंने दुर्गाष्टमी मेरी ज़िंदगी में इस तरह से नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो आगे भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये साल ऐसे हालात आ गए हैं, ये भी निकल जाएंगे, ये वक्त भी चला जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने चाकू काट दिया, चलिए वाला धनिया मैं काट लेती हूँ फटाफट से, और फिर आगे का काम निपटाते हैं। हमें तो बहुत सारा काम है, पूरियों का आटा भी बांधना है और हलवा भी बनाना है। और हलवे की रेसिपी ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया हलवा बनता है इस रेसिपी से, जिससे मैं आपको बताने चाहूँ। तो चलिए, पति ने जो धनिया साफ़ किया इसको कट कर लेते हैं। थोड़ा सा ही है, इतने में ही चलाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कैसे गुजारा करना है ये हम लोग सीख रहे हैं इस वायरस की वजह से, तो कुछ ना कुछ तो हम अच्छा इसमें से भी सीख रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, आई एम डैम श्योर। बस आप लोग प्रे कीजिए भगवान से, माता जी से, कि इस परेशानी से हम सभी देशवासियों को, पूरे वर्ल्ड को मुक्ति दिलाएं। और यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है, मिर्ची पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा हरा धनिया भी अंदर डाल दूंगी मैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब ये मसाले के साथ, आप ट्राई कीजिएगा। तो थोड़ा बहुत इसको भूनेंगे भूनते जाएंगे, एंड देन इसके बाद चनों को इसमें प्लेस कर देंगे। मैंने थोड़ा सा पानी रखा है चनों में, सो दैट ये थोड़ा सा पकेंगे ना तो पानी अपने आप कम हो जाएगा, पर आप चाहें तो हल्का फुल्का ग्रेवी वाला रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, इसमें एक बॉयल आ गया है, और थोड़ी सी मिर्ची मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची और डाली है, क्योंकि मैंने पहले कम डाली थी। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा नींबू जाएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है अगर टमाटर की खटास आपको पसंद है, बट थोड़ा सा नींबू अच्छा लगता है इन चनों में। और यहाँ मैं अदरक छील रही हूँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा काट लूँगी छोटा छोटा, एंड देन हरा धनिया और अदरक डाल के एकदम तैयार है मेरे चने। और ये चने ट्रस्ट मी बहुत ही बढ़िया लगते हैं, जबकि इसमें ना प्याज है ना लहसुन है, लेकिन इसका एक अपना अलग मज़ा होता है। त्यौहार के दिन का खाना वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, हम कितना भी सिंपल बनाएं अच्छा बनता है। चलिए हलवे की तैयारी करते हैं। तो जितना मैंने सूजी लिया है, ये मोटी सूजी यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहें तो रवा भी ले सकते हैं। जितनी सूजी ली है ये मैंने आधा भगोना पौना भगोना जैसी सूजी ली है, तो उतनी ही सेम अमाउंट में चीनी लेनी है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि दूध किस तरह से लेना है। तो दूध भी जितना हमने सूजी ली है उतनी ही क्वांटिटी में हमको दूध लेना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में थोड़ा सा ये चला देती हूँ क्योंकि मैंने ये ढका हुआ है लिड लगा के, तो बीच बीच में चलाना पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताती हूँ कितना दूध लेना है। जितनी हमने सूजी ली सेम ही हमने चीनी ली उतनी ही, और उतना ही हमने दूध लिया। और अब इसके अंदर मैं बराबर का पानी नहीं डालूंगी, जितना सूजी है उसका आधा भगोना, और यानी कि एक भाग सूजी तो डेढ़ भाग मैंने लिक्विड रखा है दूध और पानी मिला के, ठीक है। आप देख ही रहे हैं मैंने किस हिसाब से रखा है। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देंगे, ये हलवा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ सत्यनारायण कथा में बनता है। तो बादाम मैंने काट के रख लिए हैं साइड पे,
विवेक ने काटे हैं, मतलब थोड़े उन्होंने काटे, थोड़े मैंने काटे, उनसे कट नहीं रहते। और यहाँ इलायची को मैंने कूट दिया है, देखिए आ गए हैं किचन में। क्या पसीना आ रहा है, बड़ा प्याज छलक रहा है। आप प्याज तो छल के है, छल के है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलायची को भी क्रश कर लिया है, मतलब इसके दाने मुझे विवेक ने निकाल के दिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है सो दैट मैं हलवे में यूज कर सकूं। इसके अलावा आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब डाल सकते हो। मेरे पास बादाम है, काजू भी हैं, लेकिन वो थोड़े से हैं, वो मैंने रख दिए हैं। मटर पनीर वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं ग्रेवी में, तो वो नहीं डालूंगी। ये बादाम थोड़े से काट लिए मैंने, और ये वाली इलायची को ये क्रश कर लिया। ये वाला हलवा आप बना के देखना, हमारे यहाँ गुजरात में जब सत्यनारायण कथा होती है तब इस टाइप का हलवा बनता है, एंड इट्स ऑसम गाइस, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब सिर्फ मेरा हलवा बन जाए बस, फिर फटाफट आटा गूंद के मैंने पूरियाँ बनानी है, और इसके बाद माता जी को भोग लगाना है, और फिर प्रिशा को भोग लगाएंगे। आ गई है हलवे की, इसलिए आया ये बाहर निकल के रूम में से। अब इसे बस इंतजार हो रहा है मम्मी जल्दी बनाए, माता जी की पूजा करे, प्रिशा को खिलाए, और इसकी मुइया में जाए हलवा। वो पूछती हूँ अभी, तुम्हारे पापा गए काम से, ओके, उनको बोला है पढ़ाने के लिए, कौन सी बात हुई, आजकल तो फ्री हैं तो चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल इन लोगों की ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं। मैम ने लाइक इसकी जो मैम है ट्यूशन वाली टीचर, वो कुछ ना कुछ व्हाट्सअप भेजा करती हैं, मतलब ये करा दो वो करा दो, लेकिन ये बंदा करे तो बात है। सो कॉन्स्टेंटली स्टिर करते हुए फ्राई करना है हमें सूजी को, मतलब रोस्ट करना है, नहीं तो सूजी जल सकती है। और इस वाले हलवे के लिए हमें एकदम ब्राउन नहीं करना होता सूजी को, लेकिन यस इस फ्रेग्रेंस आनी चाहिए भुनने की, भुन जानी चाहिए सूजी। तो यहाँ पे थोड़ा घी कम लग रहा था, मैंने डाल दिया। मेरी सूजी भुन चुकी है, जब आपकी सूजी भुन जाए तो आपको डायरेक्टली दूध और पानी जो आपने मिक्स करके रखा है उसको डाल देना है, और कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसके बाद चीनी डाल रही हूँ मैं, तो लगभग बराबर की ही चीनी पड़ी है, थोड़ी सी ही बचाई है मैंने, ऑलमोस्ट बराबर की चीनी पड़ी है, जितनी सूजी थी उतना ही। इसके बाद इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर जो हमने बना के रखा हुआ है, और थोड़े से बादाम में अंदर डालूंगी, थोड़े से बाहर गार्निश करूंगी। जब बनके रेडी हो जाएगा तो थोड़े से अंदर डाल रही हूँ, और अब इसको कांस्टेंट स्टिर करना है जब तक कि ये पूरा कढ़ाई ना छोड़ दे। आपको भी पता है हलवा जब तक कढ़ाई ना छोड़े तब तक बनता नहीं है। तो यहाँ देखिए कितना दानेदार बढ़िया हलवा बना है। दानेदार बनने का रीज़न है कि मैंने मोटी सूजी का यूज़ किया है। आप अगर मोटी सूजी यूज़ करेंगे तो मज़ा ही अलग आएगा हलवे में, ट्राई करके देखिएगा। और ये दूध का हलवा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना। ऊपर से गार्निश कर दूंगी आलमंड्स जो मैंने कट करके रखे हैं। तो इस तरह से हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, और आप मुझे थैंक्स लिख के जाओगे, क्योंकि मेरे हाथ का हलवा यहाँ सबको बहुत पसंद है, इवन मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। हमारा हलवा बनके एकदम रेडी है, बस अब पूरियाँ बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बैठूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ चुके हैं। देखिए आप पसीने देखिए, इसलिए मैंने साफ़ नहीं किए। मैं आपको दिखाऊँ कितने पसीने हो रहे हैं, वो भी इस टाइम पर, अभी इतना दोपहर भी नहीं हुआ है, स्टिल इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है। ओह गॉड, कपड़ों का भी ठिकाना नहीं रहता काम करते करते। साड़ी पहनो ना, मैं साड़ी में मेरे ख्याल से जब से शादी हुई है आई थिंक ये मैंने सेकेंड टाइम मैंने काम किया था साड़ी पहन के, जिस दिन मैंने इडली डोसे का रेसिपी शेयर किया था इससे पहले वाले व्लॉग में जब साड़ी पहनी थी, और आज ये थर्ड टाइम है जब शादी के बाद मैं साड़ी पहन के काम कर रही हूँ, वो इतनी गर्मी में लेकिन एक अलग सा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। तो दो मिनट पानी पिया एक गिलास बैठ के, हवा खाती हूँ, और फिर जा रही हूँ पूरी बनाने के लिए, और लग जाती हूँ। एसी आपने पहले से चालू करके रखा था ना? हाँ आई थिंक पहले से। हाँ तो ये देखिए हमारी बिटिया रानी नहा ली है, आज हमारी कंजिका यही है, यही हमारी कंजिका है आज। कंजिका तो कुर्ती पहनी है, तो इसको मैं अभी खाना खिलाती हूँ। प्रिशा मेरे को ना गेहूं का आटा निकाल के ला दो स्टोर रूम में से। हाँ मेरी हालत खराब हो गई है, अभी हल्का सा फैन ऑन करना। बेचारी फैन में खाना बना रही है। फैन में साड़ी में खाना बनाई, साड़ी में फैन निकल रही, फैन में खाना। चलो लेट हो जाएगा, ऑलरेडी लेट हो गया, भोग लगाने के लिए जल्दी करो। बच्चा पालू लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है बेटा मेरा, मम्मी का बच्चा है ना। मम्मी को पाली पाली, अब इससे वेट नहीं हो रहा है हलवा खाने के लिए। सुगंध आ रही है नाक में? हाँ सुगंध आ रही है इसे नाक में। ये यहाँ बैठक रही, ये बहुत काम करती है। हाँ। क्या करेगी वही तो, हमें ना जमे है, और हम क्या करते हैं खाने का काम, हम सिर्फ खाने का। अच्छा अच्छा, अब तो हलवा पूरी बीवी जी की याद की मजा आ जावे। हलवे की शक्ल देखी क्या आपने? सुपर्ब है, मैंने जब भी
कुंभे के हाथ का हलवा मेरा फेवरेट है, चाहे वो फिर कौन सा भी हो, लाइक आटे का या सूजी का, हर एक मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। भैया इतनी तारीफें मत करो, नहीं तो कुछ हेटर्स दे देगा, वैसे लिखेंगे कि अपनी तारीफें करवाती रहती है अपने घर वालों से। चलेगा, हेटर्स को आई डोंट केयर। और अपने घर वालों को, अपने घर वालों को इंफीरियर फील करवाती है आप लोगों को, यानी कैसे, मतलब अपनी तारीफें करवा के आपको इंफीरियर फील करवा ना, ऐसा ना, ऐसा कुछ भी। अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी की आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पहली अष्टमी है जब ऐसा हम देख रहे हैं, नहीं तो हमेशा हमारे घर में कितनी सारी बच्चियां खाना खाने आती हैं। स्टे एट होम प्लीज, स्टे होम, स्टे सेफ, दोनों की एक जैसी शक्ल है, दिखाओ एक जैसे लगते हैं ना गाइस, सुनो बताइएगा कमेंट करके, बहुत एकदम सिमिलर। और प्रीशा किसके जैसी है ये भी बताइए, मैं नानी जैसी हूँ। चलिए तो मैं आटा बांधती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनकी बातें देखिए, इनकी मस्ती कभी खत्म नहीं होगी। चलिए तो चलिए फिर आटा बांध लेते हैं, थोड़ा सा नमक डालूंगी, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा देसी घी डालूंगी अंदर, उसको कड़क बांधूंगी क्योंकि पूरियां बनानी हैं, कड़क आटे की ही पूरियां बढ़िया बनती हैं, बस इसीलिए। फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं, दनादन दनादन। कुछ लोग पूछ रहे थे कि पूरी आपकी कैसे फूलती है दीदी लास्ट टाइम, तो बेलने पे डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा बेलोगे उतनी बढ़िया पूरी बनेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं दो दो पूरियाँ निकाली हैं, एक मैंने गाय माता के लिए निकाली है, एक मैंने डॉग के लिए निकाली है, मतलब दो पूरियाँ गाय के लिए, दो पूरियाँ डॉग के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा चना और हलवा भी रख दिया उस पर, और अब मैं बाकी की पूरियाँ उतार लूँगी क्योंकि अब मुझे माता जी को भोग लगाना है, और माता जी को भोग लगाने के बाद तुरंत ही प्रिशा को खिला दूँगी। अच्छा, इसमें ना मैं क्लिपिंग को भूल गई शूट करना, एक्चुअली काम में थी ना, प्रिशा को जब मैंने खिलाया वो क्लिपिंग में शूट करना भूल गई हूँ, तो डोंट माइंड गाइस। लेकिन पहले मैंने माता जी को भोग लगाया, पूजा की, और उसके तुरंत बाद मैंने प्रिशा को खिला दिया था। तो आ जाइए आप लोग भी, एकदम फूली फूली गर्मा गर्म पूरियाँ तैयार हैं, माता जी की थाली लगा देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी पूरियाँ रख ली हैं, दो पूरियाँ रखी हैं, चने रखूँगी और साथ में हलवा रखूँगी। आज के दिन यही प्रसाद होता है, आप लोगों को सबको पता होगा, नॉर्थ इंडियंस को स्पेशली पता होगा, बाकी लोगों को शायद ना पता हो। तो बस ये रख दूँगी, करते हुए मन थोड़ा सा दुखी भी हो रहा है कि आज के दिन हमारे घर बहुत कन्याएँ आती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी माता जी की इच्छा। तो फाइनली मैं आई हूँ माता जी को भोग लगाने, पूजा करने, और पूजा करने के बाद में फिर बच्ची को तुरंत ही दे दूंगी मैं। बच्ची भी यहीं बैठ के खाने वाली है माता जी के पास, मतलब मंदिर के आगे ही बैठ के खाने वाली है वो, लेकिन पता नहीं मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि वो, तो सॉरी गाइस, चला लीजिएगा। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से सब लेडीज़ ने पूजा की होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सबकी दुर्गाष्टमी किस तरह से रही, कैसी रही। मुझे पता है सब लेडीज़ थोड़ी थोड़ी सी अंदर से दुखी हुई होंगी, क्योंकि आज के दिन हम लेडीज़ बहुत चाव से और खुशी से बच्चियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी हालात हैं, हमेशा एक से हालात नहीं रहने वाले, ये दिन भी निकल जाएंगे। आप लोगों से वापस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सब लोग घर में रहिए, उसी में हमारी सुरक्षा है। और ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, और कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन लगता रहे, मेरा काम है आपको बार बार याद दिलाना, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सेफ्टी का मैं ध्यान रखूँ। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए। ओके गाइस, तो मेरी पूजा वूजा सब हो गई है, माता जी को भोग भी धरा दिया है, अब हम लोग पहले प्रसाद का ग्रहण करेंगे, जो हमने चढ़ाया है माता को भोग, पहले उसमें से खाएंगे, और उसके बाद में फिर दूसरा खाएंगे, खाने खाने के लिए बैठेंगे। और काफ़ी सारा मैंने बनाया है, तो रात को भी आई थिंक यही चल जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कुछ और बनाने की। दिल की बात बोलूँ आपको, जब मैं अभी पूजा कर रही थी तो मेरे आँख में आंसू आ गए, क्योंकि ये पहले नवरात्र ऐसे हैं जिसमें मैं कंजिकाओं को खाना नहीं खिला पा रही हूँ। नो डाउट प्रिशा है घर में, लेकिन होता है ना, हर साल बचपन से आज तक हमने ये देखा है, गर्मी लग रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमने इस बार देखा, वो कभी नहीं देखा। आज से पहले एक भी अष्टमी, दुर्गाष्टमी ऐसी नहीं गई है कि जब हमारे घर में बच्चियां आई हों, हमने खाना ना खिलाया हो। पहले मम्मी बुलाती थी जब छोटी थी मैं, और हमेशा देखा मैंने मम्मी ने खाना खिलाया, और उसके बाद जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं खिलाती आ रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है जो ये आज हुआ है कि घर में एक भी कंजिका नहीं आई है। दिल बहुत दुखी हुआ है, लेकिन
कोई बात नहीं, माता की जैसी इच्छा भगवान की जैसी इच्छा। बस मैंने भगवान को यही प्रे किया है माता जी को कि हमारी भूलों को क्षमा करें, इस बार हमें माफ़ करें कि हम कंजिकाओं को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। कोशिश की थी मैंने कि बिल्डिंग में जो बच्चियां हैं उनके घर में उनके लिए प्रसाद भेज दूँ, लेकिन होता है ना यार, लोग डर रहे हैं, और सही भी है, एक्चुअली डरना ही चाहिए, चीज़ ही ऐसी है, तो इसलिए कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ सबकी प्रॉब्लम, सबकी फीलिंग। तो चलिए फिर मैं अब इन लोगों को थोड़ा खिला विला दूँ। ये चुन्नी हमेशा मैं पूजा करते हुए ले लेती हूँ, और ये मीशो वाली चुन्नी है, आप लोग पहचान गए होंगे, सबको पता है मैं मीशो की चुन्नी यूज़ करती हूँ पूजा करते हुए। गर्मी काफ़ी हो गई है, पूरे पसीने पसीने हो गए ऊपर से नीचे तक, लेकिन साड़ी तो मैं रात तक पहन के रखूँगी, क्योंकि पहन ही ली है तो फिर रात तक पहन के रखूँगी। इसका बॉर्डर बहुत ही अच्छा है, ये देखिए बहुत सुंदर बॉर्डर है साड़ी का, और यहाँ के एक लोकल मार्केट से मैंने एक शॉप से ली थी ये, और कितने की ली थी ये, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, कलर भी बड़ा प्यारा है, येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, एकदम प्योर जॉर्जेट जैसा है, और ये मैंने ली थी तकरीबन 400 या 500 की ले ली थी, बस इतनी सस्ती आई थी। तो चलिए फिर खा लेते हैं हम लोग बैठ के प्रसाद, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ओके। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी, प्रिशा एक बार खा चुकी है, ये दोबारा से वो प्रसाद में से हमारे साथ खा रही है, और इस प्रसाद की एक ही थाली में से हम चारों खा रहे हैं, और ऐसे मिल बांट के खाने का जो मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है, वो हमारी फैमिली की यूनिट एक ही थाली में से चारों लोग खा रहे हैं। सो गाइज, मेरे बच्चों का कहना है कि कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बना हुआ है, वैसे भी कहते हैं ना कि प्रसाद में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो इस रेसिपी से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, हलवा भी और चने भी बहुत क्या। तो ये देखिए कितने प्यार से दोनों भाई बहन एक ही थाली में खा रहे हैं, इन्होंने वो प्रसाद वाली थाली ले ली है, और मैं विवेक की और अपने लिए बड़ी थाली में लगा के लेके आई हूँ, हम दोनों एक साथ और वो दोनों एक साथ खा रहे हैं। तो विवेक को मैंने मेरे हाथ से खिलाया, उनको मेरे हाथ का हलवा यानी ज़्यादा पसंद है। मेरे मुँह में या मिठ्ठू नहीं बन रही हूँ, कुछ लोगों को ये कहने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए छोटा टाइनी भाई दीदी के लिए पूरियाँ लेके आया है अंदर से, कितने प्यार से लाया है, अपनी बहन के साथ बैठ के खा रहा है। तो ये जो त्यौहार होते हैं ये एक बहाना होते हैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा उत्सव, यू नो, सेलिब्रेशन का। तो आई होप आपने भी जैसे भी हालात हैं उनमें सेलिब्रेट किया होगा, और बस ऐसे ही खुशी खुशी बाकी के दिन निकाल दीजिए, लॉकडाउन तो अभी फिनिश हो जाएगा। ओके गाइस, हमारा खाना पीना सब हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, काम करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, एक मिनट बताती हूँ आपको कितना बजा है, इट्स लाइक 2:00, 2 बज गए, 2:15, 2:30 का टाइम है, तो अब थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद आपको आराम से मिलती हूँ। आई डोंट नो ये ब्लॉग कितना लंबा होगा, इसको यहीं पे एंड करूँगी, मुझे भी नहीं पता, और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, मैंने यहाँ पे डोर खुला आप देख सकते हो, माई गॉड कितनी तेज़ धूप है, थोड़ा सा पर्दा हटा हुआ है तो उसमें से इतनी तेज़ धूप आ रही है। चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर आपको आराम से मिलती हूँ शाम को, ओके। सो गाइज, मैं सो के उठ चुकी हूँ, सो गई थी थोड़ी देर के लिए, इस बात पे भी क्वेश्चन उठ चुका है कि लाइक आप तो लिपस्टिक में ही सो जाते हो, यार थी तो उसी हालातों में सो गई, फिर रिमूव करके थोड़ी सोंगी, और मैट लिपस्टिक होती है आजकल जो कि निकलती भी नहीं है, एक बार आप सुबह लगा लो तो रात तक रहती है, फैलती भी नहीं है, तो उस टाइप की लिपस्टिक्स मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं तो ऐसे ही सो गई थी, जस्ट उठी, और ये देखिए प्रिशा मस्ती कर रही है। सो मैंने मेरा चश्मा लिया और इसे कैमरा के आगे रख दिया, और बहुत सुंदर दिख रहा है, आई नो, क्योंकि मैं नंबर, जब मैंने वो हेट कमेंट को रिप्लाई किया था तो कुछ लोगों ने मुझे ये लिखा था कि दीदी आपके जो ड्रेसेस हैं वो दिखाइए, आप कह रहे हो कि आपके पास बहुत अच्छा क्लोथिंग कलेक्शन है, तो बहुत जल्दी दिखाऊंगी मैं, ब्लॉग्स मेरे रोज ही आते हैं तो जल्द दिखाऊंगी। चलो अभी उठो, हाथ मुंह धो लो। तो चलिए बस अब चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा मज़ा करेंगे, और मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद आपको आराम से मिलती हूँ। गाइस, तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा नहीं सहन कर सकती थी, साड़ी काफ़ी देर हो गई थी पहने हुए, सुबह से पहनी हुई थी तो अब गर्मी सी सी लग रही थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी चेंज करके, मिडी पहन ली, यही ऊपर रखी हुई थी उस दिन निकाली थी मैंने, मतलब पहनी थी थोड़ी देर के लिए, शाम के 7:45 हो रहे हैं, लेकिन देखिए अभी तक धूप है और काफ़ी गर्मी लग रही है। चाय बन गई है, चलिए चाय भी लेते हैं, उसके बाद आराम से रहते हैं। सो गाइज, अभी हमारी चाय वाय सब हो गई है, आप विंडो में देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है,
तो बस चाय पीते अंधेरा हो गया। अभी मैंने सोचा थोड़ा झाड़ू लगा दूं, क्योंकि चाय पीते हुए थोड़ा यहाँ पे चिवड़ा बिस्किट विस्किट बच्चों से गिरी जाते हैं। और देखिए अभी ऑलवेज हेल्प करता है, जब भी मैं काम करती हूँ साथ साथ हेल्प करता है, प्रिशा भी और अभी भी। आजकल तो छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो आप लोग भी बच्चों को हेल्प करना सिखा सकते हैं कि किस तरह से अपने बड़ों की मदद के कामों में, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे काम तो बच्चे कर ही सकते हैं, इस तरह से वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो यही रीज़न है मैं भी उनसे हमेशा हेल्प करवाती हूँ, मांगती हूँ। यहाँ पे प्रिशा भी बैठ के सब क्लीन ही कर रही थी, टेबल पे कुछ ना कुछ पड़ा था वो सब साफ़ करके गई है वो। तो मैंने सोचा पूरे घर में ही लगा दूँ झाड़ू एक बार, मतलब वो ड्राइंग रूम में और किचन में दोनों में मैंने झाड़ू लगा दी है। और अब मैं हाथ धो के जाऊँगी थोड़ा सा दूसरा काम करने के लिए। तो वेल झाड़ू लगाने के बाद और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में रात का खाना देखने के लिए। तो वही खाना खाने वाले हैं हम जो हमने सुबह में मतलब दोपहर में खाया था, वही खाना खाएंगे। तो मैं ये पूरियाँ बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को तो जिस दिन पूरियाँ बन जाएँ, चने बन जाएँ, हलवा बन जाए, उस दिन उनको वही खाना होता है बार बार। बच्चों को मज़ा आता है ऐसा खाना खाने में। ऑफकोर्स विवेक मना कर रहे हैं दोबारा पूरी खाने के लिए, तो उनके लिए शायद रोटी उतार दूँगी, पहले बच्चों के लिए पूरियाँ बना लेती हूँ। और हलवा तो हम दूसरे टाइम खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी हैवी हो रहा था। हम लोग हैवी इतना हलवा वगैरह खाते नहीं ना, तो काफ़ी हैवी हो रहा था। किचन आप देख सकते हो कितना मैस हो रहा है। तो अभी मुझे बहुत काम करना है, ये सब बर्तन वर्तन धो को ही धो के सो जाऊंगी और किचन वगैरह साफ करूंगी। तो गाइज अब मैं इस व्लॉग को एंड करूंगी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लव यू गाइज एंड टेक केयर।